अगर हमको ग्रेवी वाले चिली पनीर बनाने हो इतने बढ़िया, तो उसे कैसे बनाया जाए? बहुत इजी है बनाना, लेट्स सी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में बनाएंगे चिली पनीर, जिसके लिए हमें चाहिए पनीर एंड उसके अंदर हम डालेंगे नमक, मिर्च और काले मिर्च टेस्ट के हिसाब से, और साथ साथ डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच, 2-4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और कर देंगे इसे मिक्स। जब वो ऐसा ऐसा दिखेगा तो हम अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर चुके हैं, मसालों और कॉर्नफ्लावर को उस पर कोट कर चुके हैं। अब हम उसको कर देंगे थोड़ा थोड़ा फ्राई। तो यहाँ पे मैं फ्राई डीप फ्राई नहीं कर रही, पैन में तेल डाला थोड़ा सा एंड उसके अंदर हम डाल देंगे गर्म होते ही अपने पनीर के पीसेस, और उसको अच्छे से होने देंगे 2-4 मिनट के लिए, आगे पीछे अलट पलट के हर तरीके से उसे पूरे तरीके से कुक कर लेना, 2-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद बताते हैं, रख देंगे हम साइड एक बोल में, और हम लेंगे पैन फिर से और उसके अंदर 2-3 चम्मच डालेंगे तेल। इसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच करेंगे मिक्स, 1 मिनट तब उसको हल्का सा कुक हो जाएगा। उसके अंदर फिर हम डालेंगे बाकी की सब्जियां, हम डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और इसको होने देंगे 1-2 मिनट कुक। बहुत ज्यादा बनी, हल्का हल्का। अब हम डालेंगे इसके अंदर सॉसेस। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 चम्मच सोया सॉस, मैं आपको चम्मच में ही बता रही हूँ ताकि आपको सामने सामने दिख जाए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाली, और 1 चम्मच ये है रेड चिली सॉस, और डाल रहे हैं हम यहाँ पे टोमेटो सॉस। अगर आपके पास इसमें से कोई एक नहीं है, जैसे आपके पास ग्रीन चिली नहीं है, रेड चिली नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हो और दूसरी वाली थोड़ी ज़्यादा डाल देना, एंड इसे कर देंगे मिक्स। मैंने यहाँ पे 2 स्पून्स लिए टोमेटो सॉस और 1 चम्मच विनेगर, जो कि हल्का ज़्यादा लग गया तो मैंने उसे एक्स्ट्रा फेंक दिया। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच विनेगर लिया है, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे मिक्स, और हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट चिली पनीर। बस हम इसके अंदर 1 मिनट इसे करेंगे सॉटे, अच्छे से मिक्स करो और फिर डाल दो इसके अंदर पनीर के पीसेस जो हमने डाल रखे हैं। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे थोड़ा नमक और मिर्च डाल सकते हो, पर सॉसेज और इन सब चीज़ों में ऑलरेडी इतना होता है तो मैंने ज़्यादा डाला नहीं। एंड अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर, क्योंकि ऐसे भी खाने में बहुत मजा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। यस, डू इट अगेन। अगर बाय चांस ऐसा कभी हो कि आप बाहर से चिली पनीर लेकर आओ और आपके पास सिर्फ सब्जियां सब्जियां बच जाए, जो कि हमेशा ऐसा होता है कि पनीर के पीसेस खा लेते हैं और सब्जियां नहीं खाते, तो आप इसके अंदर ऐसे पनीर फिर से घर पे ही बनाकर फिर से चिली पनीर रात को खा सकते हो, यू नो, लेट नाइट स्नैक आइडिया। सो या दैट्स इट, हमारे चिली पनीर वैसे हो गए रेडी। बट अगर हमको ड्राई चिली पनीर नहीं और ग्रेवी वाले चिली पनीर बनाना है तो हम क्या करें? सबसे पहले तो पहला स्टेप ये है कि हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने 2-3 चम्मच लिए कॉर्नफ्लावर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और उसे कर दिया मिक्स। अब उसे मिक्स कर देंगे और उसे उसके अंदर भर देंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पे ये क्या था, ये 1/2 कप पानी था। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से, जैसे आप 1 कप जितना आधा 1 गिलास पानी डालो, और फिर उसके बाद इसको कुक होने दोगे तो ये वापस से वैसे बन जाएगा, और ये आपकी ग्रेवी वाले चिली पनीर हो गया रेडी, एंड इट्स दैट सिंपल। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।